हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस लाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट मिनी मल्टी एक्शन चेसर का रिव्यू करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास जितना भी 12 वोल्ट का SMD पिक्सल यहाँ पर, ये सभी मल्टी एक्शन में यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में चेसर देख रहे हैं, ये एक 12 वोल्ट 6 चैनल का मल्टी एक्शन चेसर है। दोस्तों ये आपको देखने में काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा होते हुए भी इसमें काफ़ी फंक्शन दिया गया है। इसमें कम से कम 40 प्लस फंक्शन इसमें इंक्लूड है, और ये हमारा 6 चैनल का चेसर होने वाला है। दोस्तों इस चेसर की यूज आप अपने घर के होम सेटअप में थोरन बनाने के लिए, चक्री लाइट में, या फिर पट्टा लाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 6 चैनल दिया गया। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर हम लोग यहाँ पे इस चेसर में इस टाइप का कितना SMD पिक्सल चला सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें 6 चैनल है और आप एक चैनल पे इस टाइप का 2-3 पिक्सल आराम से चला सकते हैं। यानी कि इसमें 6 चैनल में आप 12-15 पिक्सल आराम से चला पाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा लोड आपको इसमें नहीं देना है, ठीक है। दोस्तों इस चेसर को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट पावर सप्लाई तो आप नहीं चला पाएंगे। अगर आप इस चेसर पर 5 या 6 पिक्सल चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक छोटा सा जो हमारा सर्किट आता है, ये सर्किट का ही यूज आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि 10-12 में पिक्सल चलाऊं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस टाइप का 12 वोल्ट मिनी है ना, 100 वाट का SMPS आता है, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 वाट नहीं है, तो 100 वाट की जगह आप 200 वाट SMPS का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इस चेसर का कनेक्शन किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनपुट कनेक्शन के लिए आपको यहाँ 2 वायर दिख रहा है ना, एक हमारा रेड कलर का और एक हमारा ब्लैक कलर का। जो रेड कलर का ये वायर होने वाला है, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और जो हमारा ब्लैक कलर का वायर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आउटपुट सेक्शन, इस साइड जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन में आपको एक रेड वायर दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन वायर है रेड, इसका जो कनेक्शन होगा सभी पिक्सल के प्लस में ये चला जाएगा और वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकी 6 आपको यहाँ ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है ना, ये हमारा 6 चैनल का वायर है, ठीक है। ये क्या होगा, सभी पिक्सल में अलग अलग कनेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं कनेक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ किस टाइप से कनेक्शन होगा और किस टाइप से इस चेसर का फंक्शन वर्क करेगा। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कॉमन वायर दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है, ये कॉमन वायर है। इसके लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट देखिए जो 2 पिक्सल है ना, उसका दोनों पॉजिटिव वायर को ब्लू वायर से कनेक्ट कर दिया। उसी टाइप से यहाँ पर ये 2 पिक्सल है, ये दोनों का भी पॉजिटिव वायर को ब्लू कलर का वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों पिक्सल, आगे का 2 पिक्सल और उसके आगे का 2 पिक्सल, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में भी जो पिक्सल है, उसके भी जो 2 वायर है पॉजिटिव को, ठीक है, उसको भी मैंने ब्लू कलर का वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो कि हमारा ये क्या हुआ, कॉमन हो चुका है। और वो कॉमन वायर को मैंने क्या किया, लाया हूँ यहाँ पर, और इस ब्लू वायर को मैंने यहाँ पे ये वाले पॉजिटिव से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अगर हम चाहेंगे तो इसे डायरेक्ट SMPS या फिर एडाप्टर से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा चेसर है, चेसर में 6 चैनल है, उन सभी चैनलों का कनेक्शन किस टाइप से करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक चैनल पर 2 पिक्सल लगा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहेंगे तो एक चैनल पर 1 पिक्सल भी लगा सकते हैं। तो हमारा 2 जो फर्स्ट का पिक्सल है, उन दोनों का माइनस वायर को एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ, और उसमें देखिए मैंने एक ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट किया, ठीक है। और उस ब्लैक कलर के वायर को मैंने क्या किया है, चेसर के फर्स्ट चैनल से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक। उसी प्रकार आगे का 2 पिक्सल को दोस्तों, उसका माइनस को एक साथ कनेक्ट किया और एक वायर के साथ कनेक्ट किया, जो हमारा ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इसे ले जा करके मैंने चेसर के सेकेंड चैनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आगे का 2 पिक्सल को, उसका जो माइनस है, उसको एक साथ मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ ब्लैक कलर के वायर में, और उसे क्या किया हूँ, चेसर के 3rd चैनल से कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक उसी प्रकार कनेक्शन दोस्तों मैंने 4 चैनल 5 चैनल और 6 चैनल का भी किया है, ठीक है। अब मैं इनपुट का बताता हूँ। तो चेसर में आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले वायर को क्या करना है, एडाप्टर का पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव वाले वायर को एडाप्टर का नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 एम्पीयर का एडाप्टर का यूज़ किया हूँ। इसके जगह अगर आपके पास एडाप्टर नहीं है, तो 100 वाट या फिर 200 वाट SMPS का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी सेटअप को मैं 220 वोल्ट AC करंट से कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद देखता हूँ कि किस टाइप से सेटअप ये वर्क करता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, चेसर से चलने के बाद हमारा पिक्सल का फंक्शन जो है कितना अच्छा तरीका से दिख रहा है, और पिक्सल का दोस्तों आप ब्राइटनेस देख पा रहे हैं कितना हाई ब्राइटनेस में ये जल रहा है। और आगे दोस्तों आप देखते रहिए इसमें कितना फंक्शन दिया हुआ है।